ताउम्र अपनी सुरीली आवाज़ से संगीत की दुनिया को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं हैं। 6 फरवरी को 92 साल की उम्र में लता जी का निधन हो गया और उनके निधन के बाद पूरा देश फिलहाल गमगीन है। लता जी का इस दुनिया से चले जाना हर किसी के लिए एक बड़ा झटका है। अपने सुरों से दिल के तारों को झनकारने वाली लता जी ने अपनी ज़िंदगी अकेले ही गुजारी। हिंदी भाषा में 30,000 से ज़्यादा गाने गाने वाली लता मंगेशकर की ज़िंदगी में हम सफ़र का पन्ना हमेशा कोरा ही रह गया। लता जी ताउम्र अविवाहित रहीं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए आपको बताते हैं। सुरों की महारानी लता मंगेशकर को प्रेम हुआ, लेकिन उनका प्यार शादी का मुकाम हासिल नहीं कर पाया। बताया जाता है कि डूंगरपुर के महाराजा दिवंगत क्रिकेटर और BCCI के पूर्व अध्यक्ष राज सिंह लता मंगेशकर के सामने अपना दिल हार बैठे थे। एक बार लता मंगेशकर क्रिकेट देखने स्टेडियम गई, जहां महाराजा राज सिंह उन्हें पसंद आए। कुछ पारिवारिक कारणों के चलते राजा सिंह और लता जी की शादी नहीं हो पाई। दावा यह भी किया जाता है कि किशोर दा लता मंगेशकर को चाहते थे, उनका पीछा करते करते स्टूडियो तक पहुंच जाते थे। ये बात लता जी को पसंद नहीं थी। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन तब वो ये नहीं जानती थी कि उनका पीछा करने वाला शख्स किशोर कुमार है। अपने इंटरव्यू में लता मंगेशकर कहती हैं, किशोर कुमार के साथ रिकॉर्डिंग करने से मैं इसलिए इनकार कर दिया करती थी क्योंकि वो बहुत हंसाते थे और इससे उनकी आवाज़ों में मैं थकी हुई लगती थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।